अगर देखो इस वाले सवाल को देखोगे प्यारे बच्चों यहाँ से कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी बी सच दैट रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय इट। अगर एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को मैं यहाँ से फेंक देता हूँ, ठीक है ना, और दिस इज द वेलोसिटी बी से हमने प्रोजेक्ट किया ऑन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये कहता है कि ये जो रेंज आया दैट इज ये जो हाइट आया दैट इज हाइट इज टू टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हाइट है तो ये रेंज है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ कि रेंज जो है वो टू टाइम्स हाइट के इक्वल है, ऐसे हमने फेंका इसको। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो यू के टर्म में ही रेंज, वी के टर्म में ही रेंज की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले जो पहला कंडीशन दिया हुआ उसी को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें थीटा दिखने लगेगा, तो आर इज इक्वल टू टू एच है, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई जी, दिस इज द बेसिकली द रेंज। और टू एच की वैल्यू अगर देखोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी, ठीक है ना, ये टू तो अपने फार्मूले से दिया हुआ था और ये मैंने रेंज का फार्मूला, तो ये टू ने इस टू को ख़त्म कर दिया, जी ने जी को ख़त्म कर दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर ख़त्म कर दिया, एक साइन थीटा ने एक साइन थीटा को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से देखोगे टू इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया, तो दिस इज द टेन थीटा। यहाँ से मुझे एंगल पता चल गया क्योंकि मुझे टेन की वैल्यू पता चल गई, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैं निकाल सकता हूँ जो कि फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगा। ये थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू अगर टू है तो इस टू को मैं लिख सकता हूँ टू बाई वन, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब टू हुआ वन हुआ और ये फाइव हुआ अंडर रूट, ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू बाई रूट फाइव और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वन बाई यहाँ से रूट फाइव, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी वैल्यू है। अब हम रेंज बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो रेंज का कैलकुलेशन रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी होता है, तो इसका मतलब यह है कि टू वी स्क्वायर अपन जी और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू टू बाई रूट फाइव, कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई रूट फाइव, तो कुल मिला के आ जाएगा फोर वी स्क्वायर ओवर फाइव जी इसका सलूशन हो जाएगा। तो फोर वी स्क्वायर फाइव जी अगर तुम देखोगे तो इसमें से फोर फोर वी स्क्वायर और फोर बी स्क्वायर फाइव जी, मतलब ये हमारा ए ऑप्शन मैच कर जाता है, बाकी सारे गलत हैं। थैंक यू।